आईपीयू के जो लोअर कॉलेज हैं, क्या भिवन में एडमिशन ले लूँ? डीटीसी, एचएमआरजी, एनआईयूटी, ठीक है, एक सोनीपत में भी अभी कॉलेज, जैन माइनॉरिटी का भी कॉलेज है जिनका नाम हमने इतना नहीं सुना। हमने जो नाम सुने हैं वो सुने हमने यूएसआईसीटी, यूएसएआर, विप्स, अग्रसेन, सूरजमल, बीपीआईटी, भारतीय विद्यापीठ, अखिलेश दास, जीटीबीआईटी, ये मेन मेन नाम है। ये आप लोगों ने सुने? मैंने सुने, हाँ ठीक है। लेकिन भैया इनके नीचे जो वाले, क्या उनमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर आप ले रहे हो तो फिर भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि आपकी प्लेसमेंट फिर भी हो ही जाती है। थोड़ी डीप में सुनते हैं बात को। आपकी इतनी रैंक है कि आपको हो रहा है कि ना अगले साल इम्प्रूव नहीं होगी, या फिर मैं ड्रॉप नहीं ले सकता, या फिर मैं इतना पढ़ने वाला बच्चा नहीं हूँ, मुझे अभी अभी दिला दो जो मुझे बेस्ट मिल सकता है, तो आप लोअर कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन आप उसमें कंप्यूटर साइंस या आईटी, यही ब्रांचेस लें तो ज़्यादा बेटर है, उससे नीचे वाली ब्रांचेस ना लें। लोकेशन का थोड़ा सा ध्यान दें, लोकेशन ऐसी जगह हो कॉलेज की जिसको आप प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, कि वो लोकेशन बहुत अच्छे, फॉर एग्जांपल नोएडा फिर भी ठीक है एज़ कम्पेयर टू हरियाणा साइड जाने से। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, स्ट्राइक कर देते हैं यार, वो लीगल नोटिस भेज देते हैं। आईपी के कॉलेजेस, लोअर कॉलेजेस, बड़ी दिक्कत है उनको लोअर बोलने पे। तभी मैंने इकट्ठे कई सारे नाम लिए, एक स्पेसिफिक नहीं लूँगा, होप सो आप समझ भी गए होंगे। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आप कंप्यूटर साइंस और आईटी की तरफ इंक्लाइन रहेंगे तब भी आपको थोड़ा पैकेज वगैरह सही से लग जाएगा, 6-7-8-9 के आसपास तो लग ही जाएगा अगर हल्की सी मेहनत डालेंगे तो। बाकी मैक्सिमम तो और लोअर कॉलेज में ऑफ कैंपस ही पूरा ट्राई कर रहा होता है। ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस क्या है? ऑन कैंपस जो कॉलेज में कंपनीज आती हैं वो प्लेसमेंट देती हैं, ऑफ कैंपस वो है कि आपको अपने आप से, खुद से प्रिपेयर करके, वो तो चलो खुद से प्रिपेयर करना होगा चाहे ऑन कैंपस हो ऑफ कैंपस हो, ऑफ कैंपस में आपको बाहर से खुद अपने आप जॉब ढूंढ के अप्लाई करना होता है। कॉलेज खाली आपको डिग्री में हेल्प कर रहा होता है, लेकिन ऑन कैंपस भी ऑफर्स आते हैं अच्छे खासे, 14-15-20 तक के भी आ रहे हैं फिर तो अभी लोअर कॉलेजेस में भी, कंप्यूटर साइंस और आईटी के लिए। ध्यान से सुनना, कंप्यूटर साइंस, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, इन सब के अंदर ही रहना, कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस के अंदर ही रहना, नीचे मत चले जाना। ECEEE कहीं मैकेनिकल लेके बैठ जाओ, एक कॉलेज है हमारा, नाम नहीं ले रहा मैं, वो बहुत ज़्यादा लोअर है, बहुत ज़्यादा, उसके अंदर तो मैकेनिकल लेके बैठ जाओगे तो क्या करोगे? नहीं, कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच, नहीं जाना उससे लोअर ब्रांच में। आई होप मैं आपको लोअर कॉलेज के बारे में सही से बता पाऊंगा आईपीयू के। बाकी गर्गाश 909 जाके फॉलो करो यार, उसको चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स यार।